नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। जनजाति कार्य विभाग जिलाधार के अंतर्गत सुमन वाचने विकास खंड शिक्षा अधिकारी तिरला की निर्वाचन कर्तव्य के दौरान आपको बता दें कि आज प्रातः लगभग 1:30 बजे के करीब हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत नोडल अधिकारी सामग्री प्रबंधन, सहायक नोडल अधिकारी मतदान सामग्री वितरण, सहायक नोडल अधिकारी मतदान सामग्री प्राप्त करना, सेक्टरवार प्रबंधनकर्ता अधिकारी के दायित्व सौंपे गए थे। उनके सिल्वर हिल कॉलोनी धार के निवास पर रात्रि विश्राम के दौरान लगभग 1:30 बजे हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग उन्हें शासकीय अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। दुखद निधन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन, धार कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा, सहायक आयुक्त ब्रजकांत शुक्ला ने शोक व्यक्त किया है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। जनजाति विकास विभाग के विकास खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुमन कुमार बास ने कल रात में, लगता ये है कि साइलेंट अटैक आया है, उनकी जो ड्यूटी थी सामग्री वितरण गंदमानी थी, वहाँ से आ गए थे वो। उसके बाद शाम को उन्हें रात को कुछ ऐसा फील हुआ कि अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो उन्हें अपने पियोन को बुलाया। बस उसके बाद जो है ना, थोड़ी देर बाद वो कोलैप्स हो गए। निश्चित रूप से बहुत अच्छे इंसान थे, और अभी आज उनकी जो है ना सामग्री प्राप्ति में भी ड्यूटी लगी है धार में। पूरे जिला प्रशासन कलेक्टर साहब ने, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो राज्य आयोग के आदरणीय अनुपम राजन ने भी शोक व्यक्त किया है, संवेदना दी है। अच्छे कर्मचारी थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सर, उनके परिजन पहुँच चुके हैं? हाँ, परिजन जो है ना, उनके मिसेस और उनका बेटा भोपाल से आ गए हैं, और संभवतः वो अब उनको लेके जा रहे हैं भोपाल। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रजकांत शुक्ला है, मैं जनजाति विकास विभाग का सहायक आयुक्त हूँ। दुखद है, हमारे वाचने जी जो हैं वो बहुत ही कर्मठ हमारे कर्मचारी थे। जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में उन्होंने जो सेवाएँ दी अविस्मरणीय हैं, और मुझे जब इस सूचना के बारे में पता चला, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उनके काम से भी भली भांति परिचित था, हमारे बेस्ट हमारे वो एम्प्लॉई में थे, और उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। सभी अन्य हमारे जितने भी शासकीय सेवक हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि ड्यूटी के साथ कृपया अपने सेहत का भी ध्यान रखें। व्यवस्थाएं व्यापक हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बड़ी लंबी ड्यूटी होती है चुनाव की, कई बार जो लोग वोट देने नहीं आते वो शायद इस बात को रियलाइज़ नहीं करते होंगे। बड़ी कड़ी मेहनत रहती है, लगभग 72 घंटे तक आँखों की नींद गायब रहती है, ऐसे सभी शासकीय सेवकों की जो पोलिंग ड्यूटी पर जाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वो जो उनकी जो मेहनत है वो तभी रंग लाएगी जब लोग वोट देने आए।